हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। आज हम लोग स्क्रू गॉज के बारे में देखने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेईई मेन में एक सवाल आएगा। देखो ये होता है स्क्रू गॉज, ठीक है। इसके अंदर एक तार और फंसा के हम लोग इसका डायमीटर नापते हैं। देखो क्या क्या इसके अंदर है। एक ये तुम्हारा हो गया, जो ऐसे रोटेट करोगे ना, एक कंप्लीट रोटेशन में उसको पिच बोलते हैं। तो ये आगे बढ़ेगा और ये ऐसे जाके स्पिंडल से चिपका लेगा। यहाँ एक मेन स्केल है और एक सर्कुलर स्केल है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला देखो क्या है, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। इधर होता है जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव, तीन तरीके का। एक देखो बैकलेस ईरर होता है, फिटिंग वगैरह में अगर ईरर आ गए तो उसको बैकलेस ईरर कहते हैं। किसी भी तार का डायमीटर कैसे आता है, MSR CSR into LC माइनस ऑफ ईरर। एक देखो सवाल यहां पर जेईई मेन का है, ये सारा डेटा दिया हुआ है। पिच इसका 1 mm है, लिस्ट काउंट है, डायमीटर पूछा हुआ है। तो हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले के बेसिस पे निकाला। ध्यान देना कि जब भी mm है तो आपको लिस्ट काउंट mm या सेंटीमीटर में निकालने को हमेशा देगा, उसी हिसाब से काम करना। अब मैंने यहां पर आंसर नहीं लिखा यार, आप लोग ना इसका अपना दिमाग लगाओ, कमेंट करके मुझे आंसर बताओ।